नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल शो के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही शानदार इन्वर्टर बनाना बताऊंगा। तो दोस्तों, इस इन्वर्टर के द्वारा हम कई प्रकार के विद्युत उपकरण चला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम इस प्रकार का ये जैसा कि आप देख रहे हैं 2N3055 ट्रांजिस्टर है, जो कि ये मार्केट में मैंने लोकली 10 रुपये में लिया है। और आप ऑनलाइन परचेज करें तो मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इन सब चीज़ों का। तो इसी प्रकार से दोस्तों, ये देखिए, मैं ये एक EF कैपेसिटर ले रहा हूँ 2A104J, और एक डायोड लेंगे, ये IN4007 है। और दोस्तों, इसके बाद हम एक रेजिस्टेंस लेंगे 3.3 किलो ओम की, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम जो PF कैपेसिटर लिए हैं उसके जो रेजिस्टेंस है, ये हम इस प्रकार से लगा देंगे 3.3 किलो ओम की रेजिस्टेंस को, ठीक है दोस्तों। इस ट्रांजिस्टर के बेस और एमिटर पे इस डायोड को इस प्रकार से जोड़ेंगे, 4007 डायोड को। अब ट्रांजिस्टर के बेस पे PF कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को जो कि हमने जोड़ा था, उसको इस लेग पर इस प्रकार से जोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कंपोनेंट्स हमने कनेक्ट किए हैं वो। तो दोस्तों, यहाँ पे हम एक कंपोनेंट्स और लेंगे, 12012 का ट्रांसफार्मर, जो कि 3 एम्पियर का हमें लेना है। तो दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर के 12 वोल्ट को हम PF कैपेसिटर और रेजिस्टेंस पे इस प्रकार से जोड़ेंगे, और दूसरे वाले 12 वोल्ट के वायर को हम ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे इस प्रकार से जोड़ देंगे। अब दोस्तों, बैटरी के लिए हम इस प्रकार से 2 वायर लेंगे। यहाँ पर मैंने ब्लू और रेड वायर लिया है प्लस और माइनस के लिए। तो माइनस के लिए जो हम कनेक्शन करेंगे, तो ट्रांजिस्टर के एमीटर पे इस प्रकार से जोड़ देंगे। अब बैटरी के प्लस वाले वायर को ट्रांसफार्मर के बीच वाले वायर पे इस प्रकार से जोड़ देंगे, 0 वाले पे। अब दोस्तों, हम यहाँ पे एक बल्ब होल्डर को कनेक्ट कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हमने बल्ब होल्डर कनेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों, हम यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे UPS की बैटरी ले रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 12 वोल्ट 7.2 एम्पीयर की बैटरी है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हमारा जो बल्ब है वो जल चुका है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा वाटेज की आवश्यकता है, तो जैसा कि हमने यहाँ पे 12 वोल्ट 7.2 एम्पीयर की बैटरी ली है, उसकी जगह आप ज़्यादा एम्पीयर वाली बैटरी ले सकते हैं। यानी 15 एम्पीयर तक की बैटरी यहाँ पर आप ले सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों, मैं इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई शंका हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हमने यहाँ पर एक पिंक कलर का बल्ब लगा दिया है, जो कि पिंक रोशनी दे रहा है, बहुत ही लाजवाब रोशनी है इसकी। तो हमारा जो इन्वर्टर है बहुत ही अच्छे से वर्किंग कर रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें कितने कम कंपोनेंट्स है। तो दोस्तों, ये मैंने लोकल मार्केट से लिए हैं सारे कंपोनेंट्स। ये मेरे लगभग 170 रुपये के आसपास पड़ गए थे बैटरी के अलावा, क्योंकि दोस्तों इन्वर्टर के अंदर मैं बैटरी को नहीं जोड़ रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप 12 वोल्ट 4.5 एम्पीयर की बैटरी से लेके आप 15 एम्पीयर तक की बैटरी यहाँ लगा सकते हैं, आपको जैसे जैसे वाट बढ़ाना है उसी हिसाब से। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे 4.5 एम्पीयर की 12 वोल्ट की बैटरी ले रहा हूँ, इससे मैं आप लोगों को बल्ब चस आगे बता देता हूँ। और दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पे हम बाइक की बैटरी भी ले सकते हैं। हमारे कई फ्रेंड्स कमेंट्स में पूछते भी हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ कि हम बाइक की बैटरी भी ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हमने दोनों बल्ब जला लिए हैं और अच्छे से इस पर चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों को फिर से UPS की बैटरी लगा के बता देता हूँ दोबारा से। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है हमारे पास। तो अच्छा, यहाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक वायर जो की है वो डिसकनेक्ट हो गया था, हम इसको वापस से कनेक्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो हमारा कलेक्टर है ट्रांजिस्टर का, यहाँ से एक वायर है वो डिसकनेक्ट हो गया था, तो हम इसको वापस से हमने इसको कनेक्ट कर लिया है। इसकी वजह से जो बैटरी पे हम जैसे ही वायरिंग कर रहे थे, अभी पॉजिटिव वाला वायर लगा रहे थे, तो स्पार्किंग हो रही थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।